माता की, भारत माता की। देश भर में आवाज जानी चाहिए, क्योंकि हमने इसी आवाज के पीछे ना अपना सब त्याग रखा है, छोड़ रखा है। क्योंकि कोई भी नहीं बताता है छोटी छोटी चीजें जो हम बता रहे हैं। क्योंकि जब हम आपको पूरा खोल के बता रहे, सारी चीजें बता रहे, बिना मशीन के बता रहे, आपको पता है बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, सबको पता है, सब बता, सब बोलते हैं कि मशीनों से बनेगा, मशीनों से बनेगा। अरे मशीनों से क्यों बनेगा, धंधे से बनेगा। हम भी यही तो कह रहे, मशीनों से बनेगा तो हमें बता दो, आपसे मशीनों से बनेगा तो हमसे हाथों से बनेगा, बात तो बराबर है। क्योंकि अगर 10-20 हजार का किसी का बजट है, वो लाखों रुपए की मशीन कैसे खरीद लेगा? अगर मशीन ही खरीद लेगा तो फिर माल कैसे खरीदेगा? कहने का मतलब है कि मशीनों का पैसा ब्लॉक है, जो लौट के कभी नहीं आना। ये चीज समझाता हूँ बार बार। देखिए, हिम्मत की बात करूं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, आप देखो ये व्हील चेयर पे बैठी है, बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए। देखिए, बड़ी अच्छी बात मानता हूँ, एक मोटिवेशनल बात है और एक शिक्षा लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम पूनम यादव है और मैं सिवान बिहार से आई हूँ। और मेरे को यूट्यूब के माध्यम से पता चला इस काव्या चैरिटेबल के बारे में। मैंने नेट पे सर्च किया तो आपका मोबाइल नंबर मिला, फिर उस मोबाइल पे मैंने कॉल किया तो नंबर सही लगा, फिर मैंने आपसे बात किया। उसके बाद फिर मैंने इसमें आकर के इसकी ट्रेनिंग ले रही हूँ, इसलिए कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूँ, मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, मैं खुद इससे कुछ कर सकूँ और करूँ तो मैं छोटा छोटा इसको करके बहुत बड़ा, मतलब इसमें मैं क्रांति ला सकती हूँ और बहुत सारी महिलाओं को रोजगार भी दे सकती हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार से आप आई हैं और मैंने देखा कि सुबह सुबह आ गई थी, और आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और अकेली मैं हूँ, कैसे? नहीं सर, मैंने आपसे फोन पे बात किया था तो मुझे लोग झूठ भी बोल देते हैं। नहीं सर, आपकी बातों में सच्चाई थी और मैं पूछते हुए चली आई थी और मुझे लगा कि मैं सही जगह जा रही हूँ। अंदर से कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। हाँ, थोड़ी बहुत रास्ते में भटक सकते हैं, परेशानियाँ आती हैं सर, लेकिन उस उलझनों से पीछे नहीं हटना है ना सर, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना। ज्यादा से ज्यादा आप लोग आइए, सीखिए, पानी का पैसा है, ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, पानी और डंडे का पैसा है। डंडा हिलाओ, पानी डालो, पैसा कमाओ। 100% तक का मार्जिन है, मैं 100% अनुभव है मेरा। अब मैं जो कपड़े का लिक्विड है ना, तो मैं 200 रुपए का 5 किलो मतलब लाता हूँ मार्केट से, मैं मैन्युफैक्चरिंग से माल करवा लेता हूँ तैयार, तो वो मैं 450-450 का बेच देता हूँ मैं, तो मान लो कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पानी पानी और पैसा ही पैसा है। अच्छा है, काफी करना चाहिए। मैं हिमांशु शर्मा आगरा से। पहले मैंने सोच रहा था मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते कुछ हैं, होता कुछ है, बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। और चौधरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो इतनी अच्छी मुहिम को लेकर चल रहे हैं, एक 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। कम से कम मैं मान के चलता हूँ एक आदमी काम करेगा, उससे उसका परिवार भी जुड़ा हुआ होगा, उससे वो 5 लोगों को और को भी रोजगार देगा, परिवार के अलावा क्षेत्र में भी देगा, क्षेत्र में भी और 5 लोगों को रोजगार देगा, को भी रोजगार देगा, टेम्पो वालों को भी देगा, मिनिमम टू मिनिमम इतने लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 5 लाख नहीं, ये 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यहाँ आए और अपने जो है ट्रेनिंग ले पूरे अच्छी तरह से और अपना काम शुरू करे, बहुत अच्छी बात है। पानी से पैसा, धंधा लाओ, पानी से पैसा कमाओ, भाई साहब बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते धंधा हिलाना पानी से। और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपके लिए, एक ही छत के नीचे आप देख सकते हैं पैकिंग, पाउच, डॉक्यूमेंट, स्टिकर से लेके आपको सारी चीजें एक ही छत के नीचे मिलेंगी। ये हमारी फैक्ट्री है, इसमें बहुत सारा माल भरा हुआ है और बगल में ही आप देख सकते हैं ट्रेनिंग होती है। कहीं से भी आइए, देश भर से आइए, बहुत सारी भीड़ है। नाम अजय चौधरी, जिला मेरठ। मैं कहना चाहूंगा कि चौधरी साहब के बारे में जो मैंने वीडियो में देखा था वही मुझे सत्यता पाई। वैसे मैं आपकी जानकारी में एक चीज और बता दूं कि मैं नेशनल क्राइम कंट्रोल का उत्तर प्रदेश का 22वीं प्रेसिडेंट हूं और मैं यहां विजिट करने के लिए ही आया था कि असलियत क्या है, लेकिन चौधरी साहब की असलियत मुझे वही मिली जो वीडियो में थी। धन्यवाद। मिला देना है, अगर आपको हाई प्रोडक्शन करना है तो सेफ ऐसी मशीन है, 15-20 हजार तक वो आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में। मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी। हर संडे के संडे आप देखते ही हैं किस तरीके से हम लोग पूरे देश भर में धमाल मचा रहे हैं, पानी से पैसा किस तरीके का कमाते हैं वो सबको बताते हैं। देश भर से लोग आते हैं और सीखते हैं।
आप भी आइए, हर संडे आइए, यहाँ पे पूरी 10 प्रोडक्ट जो भी पानी से बनने वाले, बिना मशीन के बनने वाले सारे प्रोडक्ट हैं, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है सुबह 9:30 से और शाम को आप 5 बजे तक होती है। कावे चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार बहुत सारे जिलों में, आपको बताइए, बहुत सारी हमारी एक्टिविटी चल रही है, किस तरीके से हम लोग एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है कि 2025 तक हमें 5 लाख रोजगार पैदा करना है, उसकी कड़ी में लगातार आप देखते हैं किस तरीके से हम लोग लोगों को सिखाते हैं। देशभर से पधारे सभी लोगों का स्वागत करता हूं और सभी लोगों का धन्यवाद भी देता हूं, आने वाले लोगों का स्वागत करता हूं। बारी बारी बात करवाऊंगा। देखिए, छोटे से इन्वेस्टमेंट में, 10 से 20 हजार के इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं और एक छोटा सा मालिक बन सकते हैं, बड़े नौकर बनने से तो अच्छा ही है। अपना खुद का मालिक बनिए और आप जहां से भी आप खत्म करेंगे वहां से आपके बच्चे शुरू करेंगे। बारी बारी बात करवाना चाह रहा हूँ। महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं खूब ज्यादा है, देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ देशभर से हर संडे के संडे यहाँ आती है। मेरा नाम अंतिम शर्मा है, मैं भीलवाड़ा से आई हूँ। भीलवाड़ा राजस्थान, क्या कहना चाहेंगी लड़कियों को और महिलाओं को? जैसे मैं सीखने, वैसे आप सब सीखो, आत्मनिर्भर बनो और खुद का काम करो। अच्छा, कैसा लगा आपको सुबह से आप सीख रही है, तो क्या कहना चाहेंगी? बहुत बढ़िया लगा। जैसे मैं सीखने आत्मनिर्भर बन रही हूँ, वैसे आप सब भी आओ, आत्मनिर्भर बनो, दूसरों पे निर्भर मत रहो। मेरा नाम अंशुल त्रिपाठी, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे आप बोलते हैं कि रोटी कपड़ा और रोजगार, यही चाहिए था एक आदमी को, इसके अलावा और क्या नीड होती नहीं है वैसे भी। और मेरे को शुरू से बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा इसमें बहुत बड़ा फील्ड मेरा बन सकता है, तो मुझे ये सही लगा, तो मैंने आज संडे को आपसे मिलने का मौका मिला। सर, क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? तो ये कहना चाहूंगे कि आइए यहाँ पे, देखिए, हर संडे को ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 10 से 5, उसको ज्वाइन करिए और आप अपना इसमें फ्यूचर बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? पवन त्रिपाठी मेरा नाम है, अंशुल मेरा लड़का है। तो मेरा यही विचार था कि इसको नौकरी नहीं करवाऊं और इसको मालिक बनाऊं। सही बात तो ये, बाकी ये पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है, सब्जेक्ट भी अच्छा है, पर मैंने कहा बस नौकरी करनी नहीं, खुद का मालिक बनाना। देखो वही सही है, क्योंकि देखिए नौकरी में तो आदमी प्रॉपर बन जाता है, चाहे 10-20 हजार है, चाहे 50 हजार है, लेकिन बिजनेस एक ऐसी सीमा है जिसको आप कितना भी लंबा खींचते जाओ बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों है, अभी इसकी शादी हुई अंशुल की, ये इसकी वाइफ है, तो इनको दोनों को लेके आए, दोनों खुद का को। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या समझा सीखा? नहीं समझ गया क्या, मैं तो इसको बहू है ये, इसको भी लेके आया, मैंने कहा तू भी क्यों नहीं कर सकती। बड़ी बात इनके लिए ये कहूंगा, क्योंकि देखिए सब लोग कहते हैं कि बहुओं को घर में काम ही करेंगे, लेकिन अगर रोजगार से जुड़ जाए, अपना खुद का काम करें, तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? एमपी श्रीवास्तव मेरा नाम है, मैं इकबालपुर दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे बहुत दिन से आपका सुन रखा था, चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बहुत पहले बात भी हुई थी, आज मौका मिला आपका यहाँ पे अटेंड करने का, बहुत अच्छा लगा। आपका समझाने का तरीका बहुत सिंपल एंड नॉर्मल तरीके से आपने पूरा अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छा लगा, और आगे बिजनेस करने के बारे में इसी हिसाब से सोच के। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मैं झारखंड हजारीबाग से आया हूँ। मेरा नाम भोला प्रसाद कुशवाहा है। मैं सुना था आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भर के लिए बहुत अच्छी है प्रोडक्ट है, और ये कम खर्च में ये प्रोडक्ट चालू हो जाता है। मैं जो नवयुवक लड़के लोग कहते हैं कि मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, उन लड़कों लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने गार्जियन से मोटरसाइकिल लेकर के जो इधर उधर भटकते रहते हैं, वो मोटरसाइकिल का खर्च में ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे कम बजट की प्रोडक्ट चालू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से आई हैं? मैं जौनपुर से आई हूँ, मेरा नाम नीतू देवी है। बस इतना ही जो आपका नाम क्या? देखो शर्मा रही है ना, इसलिए दिक्कत है, इनको शर्माना नहीं, इनको घबराना भी नहीं, इनको देश से बाहर आना है और इस काम में आना है, तो वो बहुत कुछ बड़ा कर सकती है। ये थोड़ा सा मायूस हो जाती है, कोई बात नहीं। आप टेंशन मत लो जी, कहाँ से आए, क्या नाम है? नमस्ते भैया, हम पंजाब से आए हैं जी। हमको आपका देखा था, हम मोबाइल पे देखते थे वीडियो, तो हमको अच्छा लगा, हमने सोचा भी चलो क्यों ना ये बिजनेस, जो घर से खाली बैठे हैं, जो कुछ भी है, सबसे अच्छा ये बिजनेस है, क्योंकि इसमें ना तो कोई मशीन लगानी है, सिर्फ हाथों का काम है, और सबसे बड़ी बात है इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, और नहीं भी हो तो अपने घर में यूज में ले सकते हैं और अपने आस पड़ोस में, जैसे जैसे आपकी मेहनत का फल है, तो जैसे मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या? कुलदीप जसवाल, जौनपुर जिले से आया हूँ और आपको लगभग मैं एक साल से फॉलो कर रहा था जी। और आपके यहाँ ट्रेनिंग मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से हो रहा है और कम से कम इन्वेस्टमेंट में और अच्छा धंधा कर सकता है आदमी। और बाहर जाके जो नौकरी करते हैं उनके लिए बोलूंगा कि भाई नौकरी करने से अच्छा है अपना छोटा बिजनेस कर ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। हुज़ैफ़ा नाम है मेरा, अम्बेडकर नगर से आया हूँ। बहुत अच्छा काम है ये, खुद भी सीखिए दूसरों को भी रोजगार दीजिए, अपना भी कमाइए और दूसरे भी इसमें कमाएंगे। अच्छा काम है, किसी का काम करने से बेहतर है खुद अपना कारोबार, खुद मुख्तार हम बनेंगे इसमें। दूसरे का काम रहेगा, दूसरे के ऊपर हम डिपेंड रहेंगे, जब छुट्टी मिलेगी छुट्टी देगा, जैसे वो चाहेंगे वैसे हम काम करेंगे। इसलिए अपना काम खुद करेंगे, हम अपने काम के ऊपर रहेंगे, जब हमारा मन कहेगा काम करेंगे वरना आराम करेंगे। खुद के मालिक बन जी, खुद के मालिक बनेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम केतन प्रजापति है, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ और मैं ऑलरेडी 3 साल से इस धंधे में हूँ लिक्विड के। तो मैं यहाँ पे अनुभव लेने आया था और इसको और भी आगे इंटरनेशनली ग्रो करना चाहता हूँ, वो मेरा फ्यूचर प्लान है। इसलिए मैं यहाँ पे अनुभव लेने आया था और इसी में आगे बढ़ूंगा। और ये धंधा इसलिए करना चाहिए कि मालिक बनो, किसी और पर डिपेंड मत रहो और ज्यादा कम समय में आगे बढ़ सकते हो। और पानी का पैसा ये मैं खुद का अनुभव है, इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि कावे चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में क्या कहेंगे? एकदम मस्त है और कुछ नहीं, अच्छा है सब कुछ। लोग के लिए क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप लोग आइए सीखिए, पानी का पैसा है, ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, पानी और डंडे का पैसा है। डंडा हिलाओ, पानी डालो, पैसा कमाओ, पानी 100% 200% तक का मार्जिन है। मैं 100% अनुभव है मेरा। अब मैं जो कपड़े का लिक्विड है ना, तो मैं 200 रुपए का 5 किलो मतलब लाता हूँ मार्केट से, मैं मैन्युफैक्चरिंग से माल करवा लेता हूँ तैयार, तो वो मैं 450-450 का बेच देता हूँ मैं, तो मान लो कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पानी पानी है और पैसा ही पैसा है। अच्छा है, काफी करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या होता है? मेरा नाम अंकुर त्रिपाठी, मैं प्रयागराज से हूँ। आपका ये वीडियो यूट्यूब से देखा था और देख के लगा, पहले 2 महीने से प्लानिंग कर रहा था कि आना चाहिए नहीं, जब आया तो यहाँ पे आपने ए टू जेड पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। उस ट्रेनिंग में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट को कैसे सेल तक करना है बहुत अच्छा बहुत कायदे से बताया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो बेरोजगार बैठे हैं, वो आपसे जुड़े और कुछ ना कुछ अपना नया करें, और इसमें बहुत प्रॉफिट है और कम दाम में सस्ते में ये बिजनेस शुरू करने के वाला बिजनेस। ज्यादा कोई मोटा अमाउंट चाहिए नहीं है, क्योंकि छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, पल जले जाए आपके पास 2-4 हजार का बजट है तब भी आप शुरू कर सकते हैं। 2-4 हजार में तो 2-4 हजार जैसा ही होगा, 2-4 लाख रुपए में 2-4 लाख जैसा होगा, इसलिए शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ से भी आप है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? हम जौनपुर जिले से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश। हमारा नाम पृथ्वीराज यादव है। हमने यूट्यूब पर आपका प्रोजेक्ट को देखा और हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ आकर के भी हमें बहुत अच्छा ट्रेनिंग दी गई और इस ट्रेनिंग से हम सफल हो सकते हैं और कोई आएगा वो भी सफल होगा। ये पानी का पैसा वास्तविकता पानी से ही मिलेगा, कुल मिला के है पानी का ही पैसा। देखो जब आप ट्रेनिंग में आते हो तभी समझ पाते हो कि है पानी का पैसा। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, पलवल से आए भाई। भाई के दिन से वीडियो देखी थी, लड़के सौ से पूछा था, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, जैसे देखा था उससे अच्छा यहाँ पाए हैं। ट्रेनिंग बड़ी आराम से जैसे भाई ने समझाया, बहुत एक चीज बड़ी साफ साफ समझाई है, माल की सुविधा सारी है यहाँ पे, जैसे भी जिस दिन दिखाए वो सच है सारी चीज, कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है, बिल्कुल साफ क्लियर कर जैसा माहौल है। आप आए बहुत अच्छे से चीज समझाई जाती है यहाँ पे। जी मेरा नाम राजेश है और मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ। मैं काफी समय से अपना काम करना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर आपका देखा था काम करने बताने का, और बहुत ही अच्छा तरीका था आपका, बहुत बारी किसी ने बताया है, इसलिए मैं कब अच्छे रिटेल का धन्यवाद करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मुझे ना, मैं काफी दिन से खोज रहा था कि कुछ मतलब, क्योंकि मैंने अभी भी सेल करता हूँ दूसरे से परचेज करके, तो मुझे अपने ब्रांड पे बनाना है। मैं काफी तो खोज रहा था, जो अभी और भी गया सही नहीं लगा, तो कल मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, स्वाद यहाँ पे विजिट किया। क्या कहना चाहेंगे? सही था, जो देखा था वही सही था, बढ़िया। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या? कहाँ से आए? प्रयागराज जिले से। प्रयागराज जिले से क्या कहना चाहेंगे सर? जी पानी से पैसा कमाना है, किसी को
गुलाम बन के नहीं अपना खुद का मालिक बन के जीना है, किसी का बनने से अच्छा है अपना खुद का मालिक बनो। पानी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय शुक्ला है, मैं यूपी के जनपद बहराइच से हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि चौधरी जी के माध्यम से लोग तो आत्मनिर्भर बन ही रहे हैं, साथ ही और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और मेरा यही उद्देश्य है। मैं भी एक संस्था चला रहा हूँ छोटी सी, और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं स्वयं आत्मनिर्भर बनूं और लोगों को रोजगार दूं, और यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, काफी अच्छी व्यवस्था थी चौधरी जी की तरफ से और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके विषय में काफी अच्छे तरीके से जानकारी प्रदान की गई और बहुत ही ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हुई। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए सर? मेरा नाम अभिषेक राठौर, मैं मैनपुरी से हूँ, बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा था फेसबुक पे। अच्छा। हाँ जी, तो आपको पता ही है फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत फेक भी चल रहा है, एकदम ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो बहुत दिन से वीडियो में फॉलो कर रहा था आपके। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक बार जब का प्रैक्टिकल सेशन है वो अटेंड किया जाए, जिसको मैं लेने आया था। आपका समझाने का तरीका बहुत ही सिंपल था, कोई भी आसानी से समझ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा ही हो, तो बहुत अच्छा था आपका अरेंजमेंट वगैरह, लंच वगैरह बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर से पता रहे सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और आने वाले लोगों का भी स्वागत करता हूँ। इसी तरीके से हम आनंद ले लेके सिखाते हैं और ऐसे ही लोग सीखते हैं। सभी के हाथों में देख सकते हैं बुकलेट है, अभी सर्टिफिकेट मिलेंगे और अभी पूरी तरीके से वीडियो सेशन होगा, फोटो सेशन होगा और आनंद के साथ में जयकारा लगाएंगे। कहीं से भी आइए, देश भर से आइए, हर संडे होता है इसी तरीके से। और बार बार आपसे यही निवेदन करूंगा कि आत्मनिर्भर बनिए, प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि आत्मनिर्भर बनिए, किसी की नौकरी मत करिए, खुद का मालिक बनिए, क्योंकि आप मालिक बनेंगे तो आपका परिवार भी आपके साथ में जुड़ेगा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, भारत माता की, भारत माता की। देश भर में आवाज जानी चाहिए, क्योंकि हमने इसी आवाज के पीछे ना अपना सब त्याग रखा है, छोड़ रखा है, क्योंकि कोई भी नहीं बताता है छोटी छोटी चीजें जो हम बता रहे हैं, क्योंकि जब हम आपको पूरा खोल के बता रहे, सारी चीजें बता रहे, बिना मशीन के बता रहे, आपको पता है बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, सबको पता है, सब बोलते हैं कि मशीनों से बनेगा। अरे मशीनों से क्यों बनेगा, धंधे से बनेगा। हम भी यही तो कह रहे, मशीनों से बनेगा तो हमें बता दो, आपसे मशीनों से बनेगा तो हमसे हाथों से बनेगा, बात तो बराबर है। क्योंकि अगर 10-20 हजार का किसी का बजट है, वो लाखों रुपए की मशीन कैसे खरीद लेगा? अगर मशीन ही खरीद लेगा तो फिर माल कैसे खरीदेगा? कहने का मतलब है कि मशीनों का पैसा ब्लॉक है जो लौट के कभी नहीं आना। ये चीज समझाता हूँ बार बार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।